बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेपर प्लान शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इजहार करते रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके कमेंट से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका मुझे नहीं पता होता या वो न्यूज़ की शक्ल में मुझ तक नहीं पहुंची होती, और आपके कमेंट से ही मैं नेक्स्ट टॉपिक जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना होती है वो आपके कमेंट से ही लेता हूँ। तो प्लीज़ अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, जिस सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये है जी अल हरम सिटी। अल हरम सिटी की सबसे मैं पहले आपको लोकेशन बताता हूँ, ये चक्री रोड पर वाक़ है और चक्री रोड पर वाक़ एक गांव है जी कोलियां पार। कोलियां पार का जो रकबा है उसी में ये, उसी के बिल्कुल साथ ये अल हरम सिटी है। तो इसके बिल्कुल सामने कश्मीर मॉडल टाउन है, गुलशन कश्मीर, यानी कि वो दो हाउसिंग सोसाइटी हैं, तो वो रोड के अपोजिट साइड पे और ये रोड के दूसरी साइड पे कोलियां पार जो गांव है उस साइड पे ये सोसाइटी है। बड़ी अच्छी सोसाइटी है, ज़बरदस्त सोसाइटी है। तो इसकी अप्रूवल की बात करें तो आरडीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ये जो उन्होंने लिस्ट अपलोड की हुई है उसमें अल हरम सिटी कोलियां पार जो गाँव है इसमें अप्रूव्ड ओवर एन एरिया में मेजरिंग 330.92, यानी कि 330.92 कनाल इसका जो एरिया वो अप्रूव्ड है आरडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उन्होंने दिया हुआ है। ये पहले भी मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था लेकिन कुछ दोस्तों ने इख्तलाफ किया था कि जी इनके पास तो एरिया, इनका एरिया, ये पूरी सोसाइटी अप्रूव्ड है। अब इनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अप्रूव्ड एरिया वो 330.92 कनाल एरिया जो आरडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसी बंदे के ने नहीं कहा, ये मैंने डेटा जो लिया है वो आरडीए के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है जो कि 2020 के सितंबर में उन्होंने अपलोड किया था। उसमें उन्होंने तकरीबन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 20 सोसाइटियाँ हैं जिनका उन्होंने डाटा दिया कि ये इनके पास कितनी ज़मीन अप्रूव्ड है। तो इसी में अल हरम सिटी की जो ज़मीन उन्होंने बताई है वो 330.92 कनाल एरिया जो अप्रूव्ड एरिया है, और इसमें अल हरम सिटी का जो ब्लॉक का अगर हिसाब लगाया जाए तो इसमें 7 ब्लॉक है जिनमें अल हरमैन ब्लॉक, अल फतेह ब्लॉक, इसमें अक्सा ब्लॉक, तूबा ब्लॉक, अल हदा ब्लॉक, निमरा ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक हैं। अच्छा जी, इस सोसाइटी की जो पहले स्टार्टिंग के जिन ब्लॉक्स हैं वो तकरीबन सारे ही डेवलप हो चुके हैं, घर बने हुए हैं, रिहायशें बनी हुई हैं, इसमें बिजली, गैस, पानी वो सारा कुछ लगा हुआ है, तकरीबन 6-7 हज़ार घर बने हुए हैं। तो अप्रूव्ड सोसाइटी है। तो इसका पिछले दिनों में कुछ पता चला था, कुछ मसला भी बना हुआ है, कुछ ज़मीन इजाफी का पता चला था और वो न्यूज़ में है कि गवर्नमेंट ने वो वापस ले लिया है कब्ज़ा, यानी कि छुड़वा लिया है। सो वो जो अलग बातें हैं, लेकिन जो सोसाइटी की बात है, जिस सोसाइटी की 330.92 कनाल एरिया अप्रूव्ड है और ये आरडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और घर भी बने हुए हैं, रिहायशें बनी हुई हैं, और ये भी बताऊँ ये वाहिद सोसाइटी है जिसमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, एक बहुत बड़ा स्टेडियम नुमा ग्राउंड बना हुआ है और जो प्ले ग्राउंड है, और तकरीबन इसका जितनी भी डेवलपमेंट है वो सेम टू सेम पहरिया टाउन की तरफ की बनाई गई है, पहरिया की तरफ की, और अच्छी सोसाइटी है ये भी। तो इसका एक अगर आपने इसके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है वो मैं आपके साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और बुकिंग के लिए भी उसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रब्ता करके कॉन्टैक्ट करके तो आप बुकिंग भी करवा सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है अल हरम सिटी की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको अच्छी भी लगी होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबके रिस्क रोजी में इजाफा करें, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।